भाई और जीजू ने मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी है। उन्हें चकमा देने के लिए मुझे ऐसा कोई प्लान बनाना होगा जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा नाम भी सामने ना आए। क्या भाई, चाय कैसी लगी? अच्छी लगी। पैसा तो दो भाई। अबे देता हूँ ना, कहाँ भागे जा रहा हूँ? पहले का भी हिसाब बाकी है भाई। अबे चुप, दो कौड़ी के चाय वाले मुझे अकड़ दिखाता है। कितने पैसे चाहिए बोल, कितने पैसे चाहिए? भाई साहब, आपने मुझे भाई साहब कहा? जी, दरअसल बात यह है कि मेरा एक छोटा सा काम है। मैं और काम? हाँ, बहुत छोटा काम है। अगर वो काम आप करेंगे तो उसके बदले मैं आपको पैसे भी दूंगी, और वो भी तुरंत। बताइए बताइए, क्या काम है? जी, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको जानना जरूरी है। मतलब क्या बताने वाले हैं आप? आप जिस औरत को ढूंढ रहे हैं वो मुंबई में नहीं है। कौन सी औरत? आपका पूरा परिवार पुलिस के साथ मिलकर जिसे ढूंढ रहा है, मैं उस वर्षा की बात कर रहा हूँ। वर्षा मौसी, आप उन्हें कैसे जानते हैं और आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये आप छोड़िए, आज मैंने उसे बुंदेलखंड में देखा था। बुंदेलखंड? लेकिन वो वहाँ क्यों जाएगी? आपको जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने दे दी। अब वो वहाँ क्यों गई, कैसे गई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हेलो हेलो मैडम, आपका काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ठीक है। अब ताई और जीजू मुझे मुंबई में ढूंढना छोड़कर बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे और मेरा पटना जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक बार मैं मुंबई से बाहर निकल गई ना, तो फिर अर्जु ताई और जीजू कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सोहम भी सबके सामने बिष्णु बनकर रहेगा। लेकिन कौन हो सकता है वो आदमी? पर ऐसे ही किसी भी आदमी ने फोन करके हमें बोल दिया कि वर्षा बुंदेलखंड में है, तो हम कैसे मान लें? कल अगर वर्षा को यहाँ देखा गया है मुंबई में, तो वो बुंदेलखंड कैसे हो सकती है? हाँ आई, लेकिन उस बात को पूरा एक दिन बीत चुका है। हो सकता है कि इस बीच वो मुंबई से बुंदेलखंड के लिए निकल गई हो, और माना कि वो बुंदेलखंड में ना भी हो, लेकिन क्या पता हमें वहां जाके उनके बारे में कुछ पता चल सके। हाँ मानो, मुझे लगता है पूर्वी ठीक कर रही है। प्लीज, हमें एक बार ट्राई तो कर लेना चाहिए। और बाबा, जिस आदमी का मुझे फोन आया था ना, वो मेरा नाम अच्छी तरह से जानता था। यहाँ तक कि वो ये भी जानता था कि हम सब पुलिस के साथ मिलके वर्षा मौसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उससे और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन रख दिया। मिसेस साल्वे आपको कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ उसका? वो फोन कॉल मुंबई के ही एक पीसीओ से किया गया। ऐसा भी हो सकता है कि जिस आदमी ने फोन किया था वो मुंबई में हो, लेकिन वर्षा मौसी नहीं। देखिए, हमने हर रेलवे स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी, और वर्षा का फोटो भी उन्हें भिजवा दिया। हम बहुत जल्दी ही उसे मुंबई में गिरफ्तार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो मुंबई से बाहर गई। इंस्पेक्टर, आप एक काम कीजिए, सिर्फ रेलवे स्टेशन पर नहीं, बस स्टॉप पर भी पुलिस लगवा दीजिए और फोटोज भी भिजवा दीजिए। देखिए, वर्षा मौसी ओवी की रिसेप्शन पार्टी में आई थी, गणपति बप्पा की पूजा में भी आई थी, और वहां से वो चुपचाप चली भी गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चुपचाप मुंबई से बुंदेलखंड के लिए निकल गई हो। बाबा, आपने कहा था ना कि आप कोई मौका नहीं गवाना चाहते वर्षा मौसी को ढूंढने का, तो फिर हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं ना। और फिर रिसेंटली मैंने ही उन्हें देखा है। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार बुंदेलखंड जाके उन्हें ढूंढने की कोशिश करूं। लेकिन पूर्वी, बाबा हम एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में हम ये सोच के पछताएं कि हमें एक मौका मिला था और हमने उसे भी गवा दिया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं बाबा,
पापा आप यहीं रहिए, आपकी आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। अरे लेकिन हम तुझे इस तरह अकेले कैसे भेज सकते पूर्वी, तू कैसी बातें कर रही है? मानव आप मैं चला जाता हूँ पूर्वी के साथ। अरे मानव पूर्वी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, और वैसे भी तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी बहन की वजह से हो रहा है, तो तुम्हारी मदद करना मेरा भी फर्ज बनता है। और मानव वर्षा किसी भी रूप में हो मैं उसे आसानी से पहचान सकता हूँ, और हाल ही में मैंने उन्हें देखा है। वैसे भी मेरा दोस्त आदि वो भी बुंदेलखंड में ही रहता है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। ऑल द बेस्ट पूर्वी। थैंक्स, और तेजू आई का ध्यान रखना, और आई तो चिंता मत कर, हम वर्षा मौसी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बताओ सुगनीत, क्या तुमने हमसे झूठ बोला? जी नहीं, सुगनी हमारी मोड़ी है, मगर हमें ये सौभाग्य उसे जन्म देने से ना मिला है। हमने सिर्फ इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जे अनाथ थी अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है, समझ लीजिए जैसे दाई माँ, जे हमसे बहुत प्रेम करती इसीलिए हमें माई कहती। सच कहे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। भाई हम सोच रहे थे इसे पहचानने में हमने इतनी बड़ी गलती कैसे की, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले बहुत नाराज थे हम आदित्य और इससे, क्योंकि बिना हमसे पूछे इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन ये पहली बार हमारे पास आई बस हमारा दिल जीत लिया इसने। जी जी, तो आपका बड़प्पन है कि आपको हमारी मोड़ी पसंद आए। पसंद कैसे नहीं आएगी, इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा कुल। वैसे आदित्य कभी छोटे घर की एरी गैरी लड़की पसंद कर ही नहीं सकता। कि वो जानता है ऐसे छोटी बिरादरियों की हमें कितनी चिढ़ है, कितनी नफरत है, खास करके उन नाचने वालियों की। खैर अब सुगनी हमारे साथ इस हवेली में ही रहेगी, और तुम उसकी दाई माँ होने के नाते यहां हमारे साथ हवेली में रह सकती हो, यह हमारा आदेश है। जी माई, अभी तो तुमने संभाल लिया, लेकिन आगे से क्या करेंगे? अगर गलती से हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारी शादी रुक जाएगी माई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सुगनी। मैं जानता हूं गुलाबिया जी कि आपके लिए झूठ बोलना कितना मुश्किल रहा हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करती तो ये शादी नहीं हो पाती। मुझे लगता है अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सुगनी तुम मेरे साथ चल।
वैसे समझते तो हम सब है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि उनसे ऐसी क्या बात हो गई। हमने बहुत सोचा समझा और अब हमें लगता है कि कुछ सख्त फैसले लेने का समय आ गया है। सुगनी हमारे पास आओ। कल तुम दोनों की सगाई होगी। क्यों सुगनी, हम सही कह रहे हैं ना? ये शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। हमारे साहिब के इस तक पहुंचने के रास्ते बंद होंगे, तभी तो वो लौटकर हमारे पास आएंगे। अरे वाह, इतने दिनों बाद इस घर में इतने खुशी का मौका आएगा तो इसमें तो धूमधाम होनी चाहिए। क्यों ना हम यहाँ की नचनिया औरतों को बुलाकर। खबरदार, इस हवेली में नचनिया घराने की कोई औरत नाचना तो दूर, कदम भी न धारे। मां साहेब को नाचने वालियों के नाम तक से ऐतराज है। मतलब अगर घर में राई हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर हुई तो। हेलो पूर्वी, कैसी हो? आदि, एक्चुअली मैं बुंदेलखंड आ रही हूँ। वो मेरी वर्षा मौसी है ना, वो बुंदेलखंड में है, तो हम उसे ढूंढने आ रहे हैं, मैं और विनोद मामा। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देते तो। इसमें पूछने की क्या बात है पूर्वी? You're most welcome. सीधे हवेली चली आना, मैं यहाँ के इंस्पेक्टर को जानता हूँ, उससे बात कर लूंगा। बाय बाय। सुगनी कहाँ जा रही हो? बाहर बरामदे में सोने। उसकी जरूरत नहीं है। तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। मालक, आप काय हमारे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? आप पहले इतना कछु कर चुके हैं। तकलीफ की बात नहीं है सुगनी, हमने नानी जी से झूठ बोला है और उस झूठ को छुपा के रखना बहुत जरूरी है। अब मैं बाहर सोऊंगा तो किसी को शक भी नहीं होगा और तुम्हारी माँ को वचन भी तो दिया है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम सो जाओ। मालक, हम आपको देखते हैं तो हमें खुद से शर्मिंदगी होती है। आपके इतने सारे उपकार हम कैसे चुकाएंगे? सुगनी, मेरे फर्ज को उपकार मत कहो। तुम पर कोई उपकार और एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी माँ को वचन दिया है और नानी जी को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, बस। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो माँ साहिब को पता नहीं चलनी चाहिए?
कुछ नहीं मामी जी, बस ऐसे ही हुआ। दरअसल सुगनी कह रही थी कि शादी बहुत सीधे साधे तरीके से और सादगी से होनी चाहिए, और नानी जी चाहती हैं कि शादी धूमधाम से हो। तो फिर उनकी इच्छा पूरी करना तो हमारा फर्ज है ना। बस यही सुगनी को समझा रहा था। अच्छा, तो फिर माँ साहेब की खुशी के लिए तुम दोनों को एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये कि जब तक तुम दोनों की शादी ना हो, तुम दोनों के कमरे अलग अलग होने चाहिए। जी मामी जी, मैं बाहर ही जा रहा था। आखिर इतनी बड़ी सच्चाई कब तक छिपा पाएंगे? नमस्ते, मैं पांडे, यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। मिस्टर आदित्य ने मुझे यहाँ आपकी मदद करने के लिए भेजा है। आप यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं ना? जी, मेरी बहन वर्षा, उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पूर्वी, फोटो। अब आप इनकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए, हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। वैसे भी मिस्टर आदित्य ने हमें आपकी हेल्प करने के लिए भेजा है। मैं अपने कुछ कांस्टेबल आपके साथ भेज देता हूँ, वो आपको मिस्टर आदित्य की हवेली तक पहुँचा देंगे, ठीक है? लेकिन हम पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं। जब पुलिस खुद चलकर आपके पास आई है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत? आप बेफिक्र रहिए, आप ये केस हम पर छोड़ दीजिए, बस। मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, ये केस हमें इन्हीं सौंप देना चाहिए। वैसे भी इस शहर के लिए हम नहीं, इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है? जरा ठीक से पुड़िया बनाइएगा महाराज जी। यहाँ महाराज जी अभी तक जलेबी या नहीं बनी? हाँ, लगता है आप ना सचमुच के महाराज हो गए। जरा आराम से बनाइए, अच्छे से बनाइए, गोल गोल। खुशबू से पहचान जाना चाहिए था हमें कि तुम हो। अपनी लड़की की सगाई की खुशी में हलवा बना रही हो? अच्छा, बनाइए ना आप। अरे नहीं, तुम तो दासी हो। नहीं, दाई, दाई। हाँ, बताया था माँ ने हमें तुम्हारे बारे में। वैसे एक बात है, तुम दोनों के बीच के प्यार को देखकर कोई शायद ही ये कहेगा कि रिश्ता बेटी और माँ का नहीं। ठाकुर मालिक, आप कहाँ चाहते हैं? छोड़ दीजिए हमारी सुगनी को अकेले। कुछ बात करने आया है तुमसे, घर में शादी है पर रंग नहीं जमेगा अगर राई ना हुई तो उसका इंतजाम देख लो। का? आपको कैसे लगा कि हम राई करेंगे? ये तुम्हारा सवाल था या फिर तारीफ कर रही हो हमारे? खैर जो कुछ भी हो, ये देख लो कि इस हवेली में फुसफुसाते हुए कई राज जो है ना उड़ते हुए लोगों के कान में पहुंच जाते हैं। अब अगर ऐसा ही कोई राज जो है वो माँ के कान में पहुंच गया, उनको पता चल गया कि तुम क्या हो, तुमने का तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप ऐसा कछु ना करेंगे। मतलब
समझ में नहीं आता। पहले तो तुम्हें हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इतने विश्वास के साथ कह रही हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आजमाना चाहती हो, आजमा लो। ठाकुर मालक, जो चाहे मांग लीजिए हमसे, लड़ाई ना करवाइए। मांगा तो हमने भी था तुमसे, बोले भैया अपना प्यार मांगा था तुमसे, लेकिन तुमने कोई रहम नहीं दिखाया। आज हमसे उम्मीद कर रही हो कि हम तुम पर रहम करें। इस हवेली में आज या तो राई होगी या वो होगा जो हम चाहते हैं। फैसला तुम्हारा। चल जाएगा हलवा, ध्यान दो यहां पर। नमस्कार, आइए। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। ये पूर्वी है, मेरी दोस्त, मुंबई से। और ये विनोद। पूर्वी, ये सुगनी। आदि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ पूर्वी? मेरा मतलब है कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की ढूंढना कैसे मैनेज करा तुमने? जितनी प्यारी तुम हो ना, उतना ही प्यारा तुम्हारा नाम भी। ये तुम्हारी आई है सुगनी, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। जी नहीं, हम इनकी दाइमा हैं। इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, हमने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। माफ करना, वो क्या है ना कि सुगनी बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, तो मुझे लगा कि
थैंक्स आदित्य, तुम्हारे दोस्त ने हमारी बहुत हेल्प की है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा हमें यहीं बुंदेलखंड में मिल जाए। कम ऑन मिनोन, इसमें थैंक्स की क्या बात है? जब तक तुम यहां हो एंजॉय करो। आइए आइए। जी वैसे तुम कुछ भूल रही हो गुलाबिया, मां होने की असली जिम्मेदारी तो तुम्हें अभी निभानी है। तैयार रहना उसके लिए। इतनी मुश्किलों से हमारे मोड़े की जिंदगी में सुबह आई, इस बार हम सुगनी की जिंदगी में रात ना आने देंगे। अगर हमारे मोड़ियों की खुशियों की कीमत जे तो जे ही से। आदि, आदि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर सुगनी के पास होना चाहिए ना। छोड़ो ना वो सब, मुझे पता चला तुम अपनी बहन के लिए बहुत कुछ खोकर आ रही हो। आदि, कभी कभी हमको मजबूरी में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें थोड़ी तकलीफ तो देते हैं मगर हमारे अपनों को बहुत सारी खुशियां दे देते हैं। और फिर जब वही खुशियां हमारे अपनों से हम तक पहुंचती है ना, तब वो तकलीफ बहुत कम हो जाती है। किसी के लिए कुछ कर जाना फिर भी आसान है पूर्वी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी तरह मुस्कुराते रहना बहुत मुश्किल। खैर वो सब छोड़ो ना आदि, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। तुम शादी कर रहे हो, एक नई जिंदगी शुरू करोगे तुम। और शादी करने का मतलब सिर्फ साथ जीना नहीं होता, शादी करने का मतलब होता है कि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो ना उसे समझो। मेरी जिंदगी की बस एक ही परेशानी, मैंने जिससे प्यार किया उसको समझा, मगर मेरी बहन होगी मैंने उसे भी समझा और सुना। ओवी ने जो कहा मैंने किया, क्योंकि अगर मैं नहीं खोती तो वो नहीं पाती। खैर ये सब छोड़ो ना आदि, मैं तुमसे अंदर भी पूछना चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने अमृता को छोड़कर सुगनी का हाथ थाम लिया। इस लाख। छोड़ा सुगनी को। मामा जी गन छोड़िए। छोड़िए, हम मार देंगे। वो अंदर वो औरत जिसने खुद को सुगनी की दाई माँ कहलाया, वो सुगनी की माँ है। आदि, कितना कुछ सहा है उन्होंने अपनी बेटी के लिए। और आदि, तुमने भी बहुत कुछ सहा है। खैर मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ मजबूरी में हुआ, मगर तुमने अपना वचन दिल से निभाया। आदि, अब तुम्हें इस रिश्ते को भी दिल से निभाना होगा। अब भले ही इस वक्त इस रिश्ते का इस दुनिया में कोई नाम ना हो, लेकिन है तो ये एक पवित्र रिश्ता ही ना। मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ विक्रम जी? जरूर, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर आप भी इस उम्मीद से आई हैं कि आप किसी तरह से बात करके सुगनी को हमें भूलने के लिए मना लेंगी तो
अपना वक्त ना जाया करिए आप। नीचे इतनी अच्छी महफिल सजी, उसका आनंद लीजिए। जो पार्टी चल रही है इसके मेजबान हम ही हैं, और मेजबान का फर्ज बनता है कि अपने हर मेहमान के ऊपर नजर रखे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे। आप अदी से कुछ बहुत गंभीर बातें कर रही थी। अब जाहिर है कि वो बातें जो है वो इस इलाके के जंगलों में मिलने वाली किसी चिड़िया के बारे में तो नहीं रही होंगी। विक्रम जी, आप कितने समझदार हैं, फिर भी आप ऐसी जिद लेके क्यों बैठे हैं? हमारी कोई जिद नहीं है, जिद तो बाकी सब लोग कर रहे हैं जो हमसे प्यार करने का हक छीनना चाहते हैं। विक्रम जी, एक शादीशुदा आदमी को सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार करने का हक होता है, बशर्ते वो शादीशुदा इंसान उस शादी के बंधन को मानता हो। हमने शादी की थी, अपने आप को बेच नहीं दिया था। और आप क्या जानते हैं हमारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, हमारी पत्नी के बारे में? कुछ एक बंधन ऐसे होते हैं जिनका खुल जाना ज्यादा बेहतर होता है। शेर शायरी का शौक है आपको? सारे लुधियानवी ने कहा था कि वो अफसाना जिसे अनजान तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। विक्रम जी, प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं होता है, अगर हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दें तो ये ताकत हमें सिर्फ प्यार से मिलती है। एक शादी की, उस शादी ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी। जिंदगी में एक बार प्यार मिला तो उसको कुर्बान करता है। हमारा मानना यह है कि अगर कुर्बानी करना था तो फिर प्यार करने की जरूरत क्या है। हम दोनों बहुत ही दो अलग जिंदगियों से ताल्लुक रखते हैं। आपके यहाँ पे प्यार शायद कुर्बान करने के लिए हो, लेकिन हमारे यहाँ पे प्यार हासिल करने का नाम है। एक बार मेरी नजर से देखिए आप, जिसे आप प्यार कह रहे हैं ना, वो प्यार नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। आप मेरी नजरों से देखिए, वो सिर्फ प्यार नहीं, जिंदगी। और इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज शायद सुगनी भी नहीं चाहती कि आप उसे पाए। सुगनी ने हमें कितना चाहा ये हमने देखा है। पूर्वी, प्यार आत्मा की तरह होता है, आत्मा कभी नहीं मरती, उसी तरह प्यार भी कभी नहीं मरता। विक्रम जी, आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर अगर आपका रिश्ता इतना ही पवित्र होता तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों होती? पूर्वी, इन सबको तो छोड़ो, आज अगर भगवान भी नहीं चाहकर हमसे ये कह दें कि उनको हमारे प्यार में खोट नजर आता है, तो हम उनको भी यही कहेंगे कि आपसे इस नादानी की उम्मीद तो हमें बिल्कुल नहीं थी। पूर्वी, रहने दीजिए, ये आपकी कोई बात नहीं समझेंगे। चलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, किसी को कछु मत बोलिएगा, वरना हमने जो कछु किया इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुगनी, कैसी बातें कर रही हो? मैं त्याग और बलिदान का मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अगर कुछ बताऊंगी तो सिर्फ पप्पा के आगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो सको। और सच कहें तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से गांव की लड़की इतनी हिम्मत दिखा सकती है। मैं जानती हूं कि तुम्हें हिम्मत अपनी आई से मिली है ना? कहाँ है वो? मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। वो यहीं कहीं होंगी, हम उन्हें ढूंढ कर आते हैं। माई,
आप पता क्या कर रहे हैं? अब पता नहीं तुमने यह साज सिंगार विक्रम ठाकुर के लिए किया है या आदित्य के लिए, पर दीवाना तो हमें भी बना रहा है। देखिए हमारे रास्ते से हट जाइए। लानत है हमारे मुंह पे जो ऐसे किसी को दबोचने के बाद छोड़ दे। तेरी इसी खूबसूरती की वजह से हमारी बहन की जिंदगी खराब हुई है ना, आज इस पे ऐसा दाग लगाएंगे कि जिंदगी भर नहीं छूटेगा। नहीं 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 हाँ? नहीं बात करना चाहती थी। और इस इंसान की बेशर्मी तो देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम किसी भी लड़की की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती कि कोई भी उसे उछाल कर चला जाए, समझे? धन्यवाद कैसे करें, आज आपने हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। अब सबसे हम माफी मांगते हैं कि हमारी हवेली में आपको यह तमाशा देखना पड़ा। अभी इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया। चल आदि, अब हमें चलना होगा, इंस्पेक्टर ने बुलाया। सुगनी,
पापा मेरी बहुत सुनते हैं। मैं तुम्हारे लिए उनसे बहुत सारी प्रार्थना करूंगी।